जैसा कि हम जानते हैं कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल का वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे का थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन गैप के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक कैटाबॉलिक स्टेट है जिसमें नॉर्मल टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है और बॉडी का रेजिस्टेंस पावर और इम्यूनिटी कम होती है। न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू फाइट विथ कैंसर। तो हम बालको मेडिकल सेंटर में इस केयर गैप को कैसे फिल कर रहे हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बालको मेडिकल सेंटर में हम सारे पेशेंट्स इंडिविजुअल पेशेंट का न्यूट्रिशन असेसमेंट करते हैं और हम ये देखते हैं कि उस पेशेंट को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का एडिक्वेट अमाउंट में उसको मिल रहा है या नहीं। इसके लिए हमारे एक इन हाउस डाइटिशियन भी है जो इंडिविजुअल पेशेंट की नीड के बारे में जाँच करते हैं। उसके बाद में उसको उस पेशेंट को अकॉर्डिंगली रिप्लेस करते हैं वो फूड जो उसकी बॉडी में कमी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट एंड इसेंशियल फैटी एसिड्स। दूसरा, हमारे डे केयर में सारे पेशेंट्स को हाई कैलोरी डाइट एंड प्रोटीन एंड विटामिन से युक्त खाना जिसमें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, केला, आलमंड्स, न्यूट्री बार ये सब देते हैं। बालको मेडिकल सेंटर ने टाइप किया हुआ है कडल्स फाउंडेशन से जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स की न्यूट्रिशनल नीड्स का ध्यान रखता है। अगर आप एक कैंसर पेशेंट हैं या आप कैंसर केयर प्रोवाइडर हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो पेशेंट है उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाइट जिसके अंदर कैलोरीज के साथ साथ में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिशन, विटामिन, फैट एंड इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो पेशेंट को मिले, क्योंकि अगर पेशेंट का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो कैंसर का आउटकम अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद।